ओम श्री गुरुवे नमः, ओम गम गणपताय नमः। नमस्कार मित्रों, प्रणाम दर्शकों। अपने दर्शकों की रिक्वेस्ट को सम्मान देते हुए आज मैं इस वीडियो में सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए वह आपकी जन्म राशि अर्थात जोडियाक साइन के अनुसार बताऊंगा। साथ ही इस सूर्य ग्रहण के दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वह भी बताऊंगा। 21 जून 2020 के दिन होने वाले इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव आने वाले कुछ महीनों तक रह सकता है, अपितु विशेष रूप से 16 जुलाई 2020 तक इसका ज्यादा प्रभाव होगा, क्योंकि 16 जुलाई 2020 तक सूर्यदेव मिथुन राशि में ही रहेंगे और वहां पर राहु की उपस्थिति के कारण सूर्यदेव की सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हमें नहीं मिल पाएगा। मित्रों, हमारे भारत देश में 21 जून 2020 के दिन सुबह 9:15 बजे से आंशिक सूर्य ग्रहण और करीब 10 बजे से पूर्ण कंकणाकृति सूर्य ग्रहण शुरू होगा। सबसे पहले गुजरात में सुबह 9:58 से पूर्ण कंकणाकृति सूर्य ग्रहण शुरू होगा, जबकि दिल्ली में 10:17 से ये पूर्ण ग्रहण शुरू होगा। यह पूर्ण ग्रहण दोपहर के 1:58 तक चलेगा, जबकि आंशिक ग्रहण दोपहर के 3:05 तक चलेगा। मित्रों, इस ग्रहण काल के दौरान हमें भोजन नहीं करना चाहिए, अपितु बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं अपनी जरूरत के अनुसार भोजन कर सकते हैं। साथ ही जहां तक हो सके इस ग्रहण काल के दौरान घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए और देवी देवताओं की पूजा भी नहीं करनी चाहिए, अपितु इस ग्रहण काल के दौरान आप अपने इष्ट देव का, कुल देवता का, कुल देवी का नाम स्मरण कर सकते हैं और देवी देवताओं के मंत्र जाप व ग्रहों के मंत्र जाप भी कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण काल के दौरान किया हुआ मंत्र जाप और दान का अनेक गुना फल प्राप्त होता है। आपकी जन्म राशि के अनुसार आपको कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए वह भी आप सबको अवश्य बताऊंगा। वैसे तो इस प्रकार के बहुत सारे वीडियोस और आर्टिकल्स पहले से ही इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, लेकिन अक्सर लोग अपनी सही जन्म राशि न जानने के कारण गलत उपाय करते हैं और गलत परिणाम भुगतते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि आपकी जन्म राशि कौन सी है और आपको किस राशि के उपाय करने चाहिए। आपकी जन्म पत्रिका व जन्माक्षर में जिस कुंडली व चार्ट के ऊपर लग्न कुंडली लिखा हुआ हो उसे देखिए और उसमें लग्न स्थान व प्रथम भाव में किस नंबर की राशि है वह देखिए। अगर लग्न स्थान व प्रथम भाव में 1 लिखा हो तो आपकी लग्न राशि है मेष अर्थात एरीज। अगर 2 लिखा हुआ है तो आपकी लग्न राशि है वृषभ अर्थात टॉरस। अगर 3 लिखा है तो आपकी लग्न राशि है मिथुन अर्थात जेमिनी। अगर 4 लिखा है तो आपकी लग्न राशि है कर्क अर्थात कैंसर। अगर 5 लिखा है तो आपकी लग्न राशि है सिंह अर्थात लियो। अगर 6 लिखा है तो आपकी लग्न राशि है कन्या अर्थात वर्गो। अगर 7 लिखा है तो आपकी लग्न राशि है तुला अर्थात लिब्रा। अगर 8 लिखा है तो आपकी लग्न राशि है वृश्चिक अर्थात स्कॉर्पियो। अगर 9 लिखा है तो आपकी लग्न राशि है धनु अर्थात सेजिटेरियस। अगर 10 लिखा है तो आपकी लग्न राशि है मकर अर्थात कैप्रिकॉन। अगर 11 लिखा है तो आपकी लग्न राशि है कुंभ अर्थात एक्वेरियस। और अगर 12 लिखा है तो आपकी लग्न राशि है मीन अर्थात पाइसिस। अगर आपकी लग्न राशि मेष अर्थात एरिस है तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए मंगल देव के मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः का जाप कर सकते हैं तथा अपनी पढ़ाई, एजुकेशन, प्रेम संबंध एवं संतान के लिए सूर्य देव के मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं। अगर आपकी लग्न राशि वृषभ व टॉरस है तो आपको अपने स्वास्थ्य के लिए शुक्र के मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम
सह शुक्राय नमः का जाप करना चाहिए तथा अपनी सुख सुविधाओं की कामना हेतु एवं अपनी माता के स्वास्थ्य के लिए सूर्य देव के मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। अगर आपकी लग्न राशि मिथुन व जैमिनी है तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए अपनी सुख सुविधाओं की कामना हेतु एवं अपनी माता के स्वास्थ्य के लिए बुद्ध देव के मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः का जाप कर सकते हैं। अगर आपकी लग्न राशि कर्क व कैंसर है तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए चंद्रदेव के मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः का जाप कर सकते हैं तथा अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सूर्य देव के मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं। अगर आपकी लग्न राशि सिंह व लियो है तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए सूर्य देव के मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं तथा अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बुद्ध देव के मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः का जाप कर सकते हैं। अगर आपकी लग्न राशि कन्या व वर्गो है तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए एवं अपने व्यवसाय में उन्नति प्राप्त करने के लिए बुद्ध देव के मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः का जाप कर सकते हैं। अगर आपकी लग्न राशि तुला व लिब्रा है तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए शुक्र के मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः का जाप कर सकते हैं तथा अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए सूर्य देव के मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं। अगर आपकी लग्न राशि वृश्चिक व स्कॉर्पियो है तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए मंगल देव के मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः का जाप कर सकते हैं तथा बुद्ध देव के मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः का जाप भी कर सकते हैं। साथ ही अपने व्यवसाय में उन्नति पाने के लिए सूर्य देव के मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः का जाप भी कर सकते हैं। अगर आपकी लग्न राशि धनु व सजिटेरियस है तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए देवगुरु बृहस्पति जी के मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः का जाप कर सकते हैं तथा अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए एवं अपने भाग्योदय के लिए सूर्य देव के मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं। अगर आपकी लग्न राशि मकर व कैप्रिकॉन है तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए शनिदेव के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं तथा शत्रुओं पर विजय पाने के लिए एवं लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए बुद्ध देव के मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः का जाप कर सकते हैं। अगर आपकी लग्न राशि कुंभ है अर्थात एक्वेरियस है तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए शनिदेव के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं तथा अपने जीवन साथी एवं संतान के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए सूर्य देव के मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं। अगर आपकी लग्न राशि मीन अर्थात पाइसिस है तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए सूर्य देव के मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं तथा अपनी सुख सुविधाओं की कामना हेतु एवं अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए बुद्ध देव के मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः का जाप भी कर सकते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य से संबंधित किसी विशेष समस्या से परेशान है तो आप हमारी वेबसाइट www.anubhavipandit.com के माध्यम से हमारा संपर्क करके ज्योतिषीय मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, सत्य और श्रेष्ठ ज्ञान ही स्वास्थ्य, सुरक्षा और उन्नति सुनिश्चित करता है, इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहिए और अपने मित्र संबंधियों को भी हमारे वीडियोस फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय।